हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक चैनल द इंडियन पैथी। आई एम डॉक्टर खुशबू मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं पंचकर्मा का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रक्तमोक्षण। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। रक्तमोक्षण इज वन अमोंग द पंचशोधन, दैट इज वमन, विरेचन, बस्ति, शिरो विरेचन एंड रक्तमोक्षण। यानी कि पंचकर्मा में पांच कर्म बताए हैं, शोधन क्रिया बताई गई है जो कि वमन, विरेचन, बस्ति, शिरो विरेचन और रक्तमोक्षण है। तो रक्तमोक्षण एक पंचकर्मा का एक जो है शोधन प्रक्रिया बताई गई है। इट इज़ वन अमोंग द यूनिक पैरासर्जिकल प्रोसीजर मैंशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू विटिएशन ऑफ द रक्त। यानी कि अगर रक्त दूषित होता है तो उस रक्त दूषित को शोधन करने के लिए हम एक पंचकर्मा का प्रोसीजर अपनाते हैं जिसका नाम है रक्तमोक्षण। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो लेटिंग आउट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज रक्तमोक्षण। यानी कि अगर हम इम्प्योर ब्लड यानी कि दूषित रक्त को अगर शरीर से बाहर निकालते हैं उसे ही हम रक्तमोक्षण कहते हैं। रक्त यानी कि ब्लड एंड मोक्षण मतलब बाहर निकालना। तो लेटिंग आउट द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज रिफर टू एज रक्तमोक्षण। मोक्षण यानी कि लिबरेटिंग, इमेंसिपेटिंग, शेडिंग और कॉसिंग टू फ्लो। यानी कि मोक्षण का अर्थ है बाहर निकालना, मतलब बाहर निकालना या फिर शेडिंग करना, उसको ही हम मोक्षण कहते हैं। रक्तमोक्षण के पर्याय क्या बताए गए हैं? सिनोनिम्स ऑफ द रक्तमोक्षण आर आस्र विश्रावण, शोणित, रक्त निर्हरण, रक्त श्रावण और रक्त हरण। ये कुछ जो है सिनोनिम्स बताए गए हैं फॉर दी रक्तमोक्षण। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ रक्तमोक्षण देखते हैं, मतलब क्या जो है रक्तमोक्षण क्यों महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। रक्तमोक्षण इज द आइडियल ट्रीटमेंट व्हेन दोषास गेट विशिएटेड बाय रक्त। यानी कि अगर दोष जो है रक्त के द्वारा दूषित होते हैं, तो अगर दोष रक्त के द्वारा दूषित होते हैं तो उस समय जो है हम रक्तमोक्षण जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है टू प्यूरिफाई दी दोषास विच इज विशिएटेड बाय रक्त। रक्तमोक्षण इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट फॉर दी रक्त प्रदोषज विकार्स। मतलब अगर कोई भी रक्त प्रदोषज विकार अगर होते हैं तो उस समय रक्तमोक्षण ही सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है। रक्तमोक्षण इज अल्टीमेट और दी फाइनल ट्रीटमेंट व्हेन डिजीज डजंट गेट सबसाइडेड बाय दी ट्रीटिंग विथ सिंगद रुक्ष शीत और उष्ण उपक्रमास। यानी कि जो रक्तमोक्षण है ये फाइनल ट्रीटमेंट है, अल्टीमेट ट्रीटमेंट है व्हेन जो जब डिजीज़ जो है यानी कि कोई भी व्याधि अगर जो है कोई भी स्निग्ध रुक्ष शीत उष्ण उपक्रमा से ठीक नहीं होता है, उस समय फाइनल जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो रक्तमोक्षण के द्वारा ही हीलिंग प्रोसीजर की जाती है। अमोंग ऑल दी ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स एम्प्लॉयड इन द मैनेजमेंट ऑफ विसर्प, रक्तमोक्षण इज कंसिडर्ड एज ऑन वन साइड एंड ऑल अदर ट्रीटमेंट्स ऑन दी अदर साइड। दिस शोज दी सिग्निफिकेंस ऑफ रक्तमोक्षण इन विसर्प। यानी कि जो पूरे पंचकर्मा के जो भी प्रोसीजर्स है वो एक तरफ और रक्तमोक्षण जो है कुल एक तरफ बताया गया है। यानी कि रक्तमोक्षण अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया बताई गई है। जैसे कि विसर्प रोग में हम जो रक्तमोक्षण करते हैं, दोज हू अंडरगो रक्तमोक्षण एट प्रॉपर टाइम इंटरवल विल नॉट बी अफ्लिक्टेड विद त्वक दोषास, ग्रंथि, शोफ एंड अदर रक्तज विकारस। यानी कि जो प्रॉपर समय पर रक्तमोक्षण करा लेते हैं, हर इंटरवल में कराते हैं, तो उनको कोई भी ग्रंथि रोग, शोफ या फिर कोई भी रक्त विकार नहीं होता है। वन शुड अंडरगो रक्तमोक्षण इन शरद ऋतु एज रक्त अंडरगोस विटिएशन बाय काल्स वाव इन दिस ऋतु। यानी कि रक्तमोक्षण की सबसे उत्तम ऋतु बताई गई है शरद ऋतु, जिस समय रक्त जो है सबसे ज़्यादा दूषित होते हैं काल स्वभाव की वजह से। तो शरद ऋतु में सबसे उत्तम जो है रक्तमोक्षण का समय बताया गया है। द ब्लड विच बिकम्स प्योर बाय दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्शन, हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लाइफ। यानी कि जब रक्तमोक्षण हम करा लेते हैं तो जो प्यूरिफाई ब्लड जो फॉर्म होता है, यानी कि प्यूरिफिकेटेड ब्लड जो वो बहुत ही हमारे शरीर को, कॉम्प्लेक्शन को, हैप्पीनेस को बढ़ाता है। सीरा व्याध इज़ अ टाइप ऑफ रक्तमोक्षण। मतलब बहुत सारे रक्तमोक्षण के प्रकार बताए गए, उसमें से सीरा व्याध एक रक्तमोक्षण का प्रकार है जो कि इट्स कंसिडर्ड एज हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट इन शल्य तंत्र लाइक दैट ऑफ दी बस्ती इन द काय चिकित्सा। यानी कि रक्तमोक्षण में सीरा व्याध जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट बताया गया है। द डिजीज़ विच आर नॉट क्योर्ड बाय स्नेहादि क्रिया और लेपनादि क्रिया क्योर्ड इंस्टेंटेनियसली बाय सीरा व्याध। जो स्नेहादि क्रिया या लेपादि क्रिया से
जो व्याधि ठीक नहीं होते उस समय जो है सीरा व्याध के द्वारा ये रक्तमोक्षण की एक प्रकार बताई गई सीरा व्याध उसके द्वारा जो है डिजीज ट्रीट किए जा सकते हैं जल्दी से। वन शुड नो अबाउट द रक्त एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ बिफोर डीलिंग विद द रक्तमोक्षण, जो भी रक्त के गुण हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है अगर रक्तमोक्षण हम कराते हैं। अब देखते हैं कब हम रक्तमोक्षण करा सकते हैं, व्हाट आर इंडिकेशंस ऑफ रक्तमोक्षण। तो अगर वह जो है 16 से 70 इयर्स के बीच में हम जो है रक्तमोक्षण करा सकते हैं, यानी कि 16 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो 16 साल से लेकर 70 इयर्स तक हम रक्तमोक्षण करा सकते हैं। कौन से ऋतु में, शरद ऋतु में उत्तम ऋतु बताई गई है टू फॉर दी रक्तमोक्षण। तो विकार देखते हैं, तो मतलब कोई भी सर्व कुष्ठ एंड विसर्प, कोई भी शरीर त्वचा का कोई भी व्याधि हो या फिर विसर्प रोग हो उस समय जो है हम रक्तमोक्षण करा सकते हैं। शुद्ध रोगास की बात करें तो अजगल्लिका, चिप्पा, कूनक, ये जो है न्याच, व्यंग, अलजी, नीलिका, ये सब जो है दारुणक, श्लीपद, ये सब जो है शुद्ध रोगास में जो है हम रक्तमोक्षण कराते हैं। उदर रोग की बात करें तो प्लीह उदर और यकृत उदर में जो है रक्तमोक्षण करा सकते हैं। विद्रधि की बात करें तो सभी विद्रधि एक्सेप्ट फॉर दी सर्वज, जो सर्वत्र विद्रधि होती है उसमें नहीं कर सकते, बाकी सब वातश पित्त जो विद्रधि होती है उस सभी विद्रधि में हम रक्तमोक्षण क्रिया कर सकते हैं। वात व्याधि की बात करें तो वात व्याधि में जैसे गृद्रसी, अवबाहुक, वातशोणित, इन सभी वात व्याधि में भी जो है रक्तमोक्षण करा सकते हैं। कंज की बात करें तो पंगु, बाहुशोष, विश्वाची, ये सब जो है इन सभी व्याधि में भी रक्तमोक्षण करा सकते हैं। स्तन रोग, मूत्र वृद्धि, पार्श्वशूल, प्रमेह पीड़िका, ये सब में भी रक्तमोक्षण किया जाता है। ज्वर की बात करें तो तृतीय और चतुर्थक ज्वर में जो है रक्तमोक्षण किया जाता है। और मानस रोग की बात करें तो उन्माद और अपस्मार में जो है रक्तमोक्षण इंडिकेटर, मतलब यानी कि उन्माद और अपस्मार में रक्तमोक्षण उत्तम कार्य करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन व्याधियों में या फिर किन समस्याओं में हमें रक्तमोक्षण नहीं कराना चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो अगर कोई महिला गर्भिणी है उस समय रक्तमोक्षण नहीं कराना चाहिए। कोई महिला जो है, कोई अगर बाल है मतलब यानी कि बहुत ही बच्चा है, उनको भी नहीं कराना चाहिए। भीरू मतलब जो डरा हुआ है उनको रक्तमोक्षण नहीं कराना चाहिए। जो ऑलरेडी उपवास में चल रहा है उनको भी नहीं कराना चाहिए रक्तमोक्षण। पिपासा प्यासे लोगों को रक्तमोक्षण नहीं देना चाहिए। जागृत, जो जागा हुआ इंसान है, जिनको मतलब जो प्रॉपर मात्रा में नींद, जिसने नींद नहीं ली है अच्छे से, जागृत है, बहुत ही दुर्बल है, क्रुश है, तो उनमें भी रक्तमोक्षण कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है। अभी डिजीज कंडीशन की बात करें तो अगर जिसको ऑलरेडी श्वास, काश, शोष, मूर्छित, ज्वर, आक्षेप, पक्षाघात, सर्वांग, शोफ, पांडु, क्लीब, अर्श, उदर, ये जो भी व्याधियाँ जिसको ऑलरेडी है उन सभी को जो है रक्तमोक्षण कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी कि उन इन सभी व्याधियों में उस पर्सन को जो ऑलरेडी इस व्याधियों से जो ऑलरेडी ग्रस्त हैं उन पेशेंट में ये सब जो है रक्तमोक्षण नहीं कराना चाहिए। अब रक्तमोक्षण के प्रकार देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रक्तमोक्षण। तो रक्तमोक्षण दो प्रकार का बताया गया है, शास्त्रकृत एंड अशस्त्रकृत। शस्त्रकृत मतलब कि हम शस्त्र के द्वारा जो है यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा रक्तमोक्षण कराते हैं। अशस्त्रकृत मतलब बगैर शस्त्र के द्वारा। शस्त्रकृत की बात करें तो दो प्रकार के शस्त्रकृत रक्तमोक्षण है, सिरा व्याधन एंड प्रच्छान। और अशस्त्रकृत की बात करें तो श्रृंग, अलाबू, जलौका और घटी यंत्र, ये जो है अशस्त्रकृत रक्तमोक्षण के प्रकार बताए गए हैं। इस प्रकार दो भाग से जो है रक्तमोक्षण को विभाजित किया गया है, शस्त्रकृत और अशस्त्रकृत। अभी एक एक करके हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहे। टिल देन कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग आर चैनल। थैंक यू सो मच।